इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये गिवन है कि ये चार क्या हैं, रॉड्स हैं, ये चार रॉड्स हैं, ठीक है, ये एक रॉड है, ये दूसरी रॉड है, ये तीसरी और ये चौथी रॉड है। इस रॉड की लंबाई L है, इस रॉड की लंबाई भी L है, इस रॉड की लंबाई छोटा b है और इसकी भी स्मॉल b है। चार रॉड हो गई। आपको I निकालना है किसके अबाउट, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपको आई निकालना है पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, ओके ये रहा, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द फ्रेम, इस फ्रेम के पर ये निकालना है, ये पेन देख रहे हो इसके अबाउट आपको आई निकालना है। क्लियर हो गया? तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले ये बताओ कि फर्स्ट रॉड लेते हैं पी क्यू, पी क्यू का अगर एक्सिस के सेंटर से पास करता है आई का फॉर्मूला क्या होगा? एम, इसकी लेंथ क्या है एल, एम एल स्क्वायर बाय 12, एम एल स्क्वायर बाय 12, क्लियर है? पर हमारा एक्सिस तो ये है और इनके बीच में दूरी क्या है, अगर ये स्मॉल बी है तो आधी कितनी है स्मॉल, बी बाय 2, तो फिर आंसर क्या आएगा, एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम इन टू बी बाय 2 का स्क्वायर, राइट? सेम स्टोरी इसके साथ है, इसका फॉर्मूला इस पेन के अलॉन्ग क्या है, एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम इन टू बी बाई टू का होल स्क्वायर। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से एक्सिस शिफ्ट हो गया, कोई डाउट? तो मेरे ख्याल से आई पी क्यू क्लियर है और आई आर एस भी क्लियर है। पी क्यू आर एस का फॉर्मूला एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम इन टू बी बाई 2 का होल स्क्वायर, क्लियर है? नेक्स्ट अब शुरू करते हैं, ये इस रॉड का अगर एक्सिस यहां से पास कर रहा है, जहां से पेन पास कर रहा है, तो बोलो फॉर्मूला क्या बनेगा आई का, एम बी स्क्वायर बाय 12, बिल्कुल सही, क्योंकि इसकी लेंथ एल नहीं है स्मॉल बी है, एम बी स्क्वायर बाय 12 और इनके बीच में दूरी कितनी है स्मॉल एल बाय 2, तो एम बी स्क्वायर बाय 12 प्लस एम इन टू एल बाय 2 का होल स्क्वायर, क्लियर है यहां तक? और सेम स्टोरी इसके साथ है, तो चारों रॉड्स का आई आ गया और थैंकफुली जो आई है वो वेक्टर क्वांटिटी है तो पागल हो जाते हैं, आई कभी इधर डायरेक्शन ले लेंगे, स्केलर है ऐड करो काम खत्म करो, माइनस तो हो ही सकता, तो फिर क्या करेंगे, इसका आए, इसका आए, इसका आए और इसका आए, ऐड करो, ये ट्वाइस हो गया और ये भी ट्वाइस हो गया, ऐड करके ऑप्शन मार्क कर लेना जो भी ऑप्शन में आएगा। तो पहला मेथड समझ में आ गया यहाँ तक, रेक्टेंगल का फॉर्मूला, रेक्टेंगल का फॉर्मूला एल बाय, इसे सॉल्व करना फिर जरा एक बार चेक कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करो क्या आंसर आ रहा है, क्योंकि रेक्टेंगल का फॉर्मूला तो सेंटर के अबाउट ये होता है, चेक करना, एम बाय 12 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक बार प्लीज चेक करना, वेरीफाई हो जाएगा, यही आ रहा है, नहीं आ रहा, आना नहीं चाहिए मेरे को लगता है, क्यों नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आएगा, क्यों नहीं आ रहा आंसर, क्योंकि हॉलो है, अच्छा क्योंकि वो लैमिन है, क्या बात है, सही है, क्योंकि ये रॉड्स हैं, क्योंकि लैमिना नहीं है, हमने लैमिना के लिए किया था, सही है, ठीक है, सही पॉइंट पकड़ा है। तो नेक्स्ट है, अगर मैं एक्सिस पी क्यू लूँ, पी क्यू लूँ, अगर मैं एक्सिस पी क्यू लूँ, अब बोलो पी क्यू का एक्सिस इसके अंदर से पास होता है तो इसका आए जीरो, इस रॉड के लिए ये एक्सिस टेंजेंट है तो एम इंटू एल स्क्वायर बाई 3, मतलब इसकी लेंथ क्या है बी, एम इंटू बी स्क्वायर बाई 3, इसका भी एम इंटू बी स्क्वायर बाई 3, मतलब इसका जीरो, एम बी स्क्वायर बाई 3, एम बी स्क्वायर बाई 3, और इसके लिए अगर एक्सिस के बीच में से पास करे तो इसका खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन जीरो, पर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से इसको इस पर शिफ्ट करना है तो जीरो प्लस एम बी स्क्वायर, जीरो प्लस एम बी स्क्वायर, क्लियर है यहां तक? ये एक्सिस निकाल लो और फिर इसके ऊपर शिफ्ट कर दो तो जीरो प्लस एम बी स्क्वायर, फाइनल आंसर कुछ ऐसा आएगा, जो भी आएगा ऑब्जेक्टिव में आपको मिल ही जाएगा इसमें आंसर।